5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। महोदय, गेट समस्या का सार यह है कि दुनिया भर के कुछ हिस्से में अनाज के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरे हिस्से में करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं। आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है, वास्तव में जिसके लिए सामूहिक प्रयास की आज बहुत ज़रूरत है, मगर गेट वार्ता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है। गेट के मौजूदा दौर में कृषि को जोड़ने की मुख्य वजह यह है कि आज कृषि व्यापार के क्षेत्र में दो समुदायों के बीच टकराव हो रहे हैं। जब अमेरिका ने 50 के दशक में कृषि बाजार में कदम रखा था, तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय खाद्यान्न आयात स्थिति से उभर कर खाद्यान्न निर्यातक की श्रेणी में आ गया। यूरोप का कृषि सरोकार खाद्यान्न सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया। ऐसी स्थिति में यूरोप भी विश्व कृषि बाजार का दावेदार बन गया। आते आते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ कृषि उत्पादन का एक तिहाई भाग निर्यात के लिए होने लगा, लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ता गया, किंतु विकासशील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी जिसकी आशा की जा रही थी। इस प्रकार उनकी उम्मीद खत्म हो गई। कुछ देश आत्मनिर्भर हो गए तो कुछ कर्ज के बोझ से दबकर आयात ना कर सके। तब यूरोप अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड़ शुरू हुई है। उसी के साथ दोनों जगह अनुदान भी बढ़ने लगा। इस दौड़ के कारण कृषि को गेट वार्ता में शामिल किया गया है। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारतीय कृषि को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस शर्त से बच जाएंगे। मगर दिक्कत यह है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह तय नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं। यह अधिकार IMF को दिया जाएगा, तब तय हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप आयात कम कर दें। उससे पहले हमें दूसरे उपाय आजमाने होंगे। जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंध मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ना होकर घरेलू कृषि नीतियों से भी है। इस कृषि नीति में किसानों को दिया जाने वाला सहारा अनाज भंडार बनाए रखने हेतु सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल है।